कल की जो परिस्थिति कानपुर नगर थी उसमें पूरे नगर क्षेत्र में शांति थी, लोगों ने सहयोग प्राप्त किया, प्रदान किया और पुलिस के द्वारा भी सीए के बारे में मोहल्ले मोहल्ले में जाके कल समझाया गया। जिस थाना क्षेत्र में, थाना बेगनगंज क्षेत्र में, चौकी यतीम खाना क्षेत्र में जहां पर परसों बलवा की घटना हुई थी, वहाँ भी लोगों में कुछ आशंकाएँ थीं, कुछ भय था और कई लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि जो है जीवन अपनी वापस लॉ में लौट के आए। आज आप देख ही रहे होंगे कल के पुलिस के और जनता के दोनों के समेकित प्रयासों का प्रयास यह है कि आज जीवन आपको चारों तरफ जो है अपनी रॉ में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। दुकानें खुली हुई हैं, बाज़ार खुल गया है, लोग नॉर्मल उसमें आ रहे हैं। जगह जगह एहतियातन हमने अपने पुलिस की पिकेट्स और मोबाइल पार्टी लगा रखी हैं। RAF, ITBP, SSB और PSC का डिप्लॉयमेंट शहर में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर है। पुलिस और मजिस्ट्रेट्स हर इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो है साथ साथ भ्रमण कर रहे हैं और छोटी सी छोटी बात को शेयर कर रहे हैं। पब्लिक में भी ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से ये बात बता रहे हैं कि शांति बनाए रखें और चीज़ों को व्यवस्थित करने में अपेक्षित पुलिस का सहयोग प्रदान करें। अब तो लगा कि हाँ, हमारा देश उन्नति पे है, देश चल रहा है, मार्केटें बंद थी। हर व्यक्ति का, देश के जितने व्यक्ति हैं, 1,000-500 रुपये घर का खर्चा व्यवस्था निकालने में परेशान हो रही थी पूरी देश की जनता। आज मार्केट खुला, लगा कि हाँ भाई, देश अब उन्नति पे है, मार्केट खुले, शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति बने रहे और शांति के साथ पूरी जनता कारोबार करती रहे, यही देश का विकास है, यही देश की उपलब्धि है।